Let's continue on our lecture number 3 of Indian Economy Unit 2. ये है चैप्टर नंबर 3, 4 सॉरी, चैप्टर नंबर 1 में ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, लेक्चर नंबर 2 में दो टॉपिक कवर करे, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फार्म सब्सिडी, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, दो छोटे छोटे टॉपिक थे। इन शॉर्ट चैप्टर इतना ही अपने सिलेबस में। ये चैप्टर में हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पूरा कंटिन्यू कवर करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एज द नेम सजेस्ट, मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए टू सपोर्ट फार्मर। गवर्नमेंट स्टार्टेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये है क्या, मीनिंग क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर, वॉट एवर मे बी द प्राइस ऑफ द क्रॉप। मिनिमम प्राइस का मतलब गवर्नमेंट पास से गवर्नमेंट क्या कीमत में माल खरीद के, भले मार्केट में उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चलती हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसी। इंडियन एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए ही तो फार्मर को पता चलेगा भाई कौन से माल में हमको क्या माल, हमको माल की कीमत क्या मिलने है वाली है। क्लियर? परचेज प्राइस, समटाइम द परचेज प्राइस एट द हायर प्राइस देन द MSP। Here the price will be referred as purchase price. याद रखना कितनी बार ऐसा होता है, मिनिमम सपोज मिनिमम परचेस प्राइस से भी गवर्नमेंट ज्यादा कीमत में खरीद किए तो उसको भी परचेस प्राइस ही रिफर करा जाएगा और कुछ और नहीं कह सकते। द परचेस प्राइस विल सून अनाउंस आफ्टर द हार्वेस्ट। गवर्नमेंट पहले से नकल ही कर देती, जैसे ही सीजन स्टार्ट होने की होती है कटिंग के उसकी, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली प्राइस पहले से डिक्लेयर कर देती है कि ये कीमत में इसका भाव नक्की करते हैं, जो फार्मर इच्छा रखते हैं वो हमें ये कीमत में बेच सकते हैं। नॉर्मली द परचेस प्राइस विल बी हायर देन MSP बट लोअर देन मार्केट प्राइस। याद रखना मार्केट से तो कम होगी। द प्राइस एट विच परचेज एंड स्टॉक बफर स्टॉक फूड ग्रेन आर प्रोवाइडेड टू PDS इज कॉल्ड इश्यू प्राइस। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके ऊपर अच्छा चैप्टर आपको पढ़ना है कि भाई गवर्नमेंट प्राइस इश्यू प्राइस किसको बोलते हैं, तो भाई जो फूड ग्रेन PDS के थ्रू परचेज होते हैं उसको इश्यू प्राइस बोला जाता है। याद रखना परचेज प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इश्यू प्राइस तीनों अलग अलग है। वेन MSP इज अनाउंस, ऊपर पढ़ चुके, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस बाय द गवर्नमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन फॉर सर्टन क्रॉप। यानी जैसे ही खेडूतों की उस सीजन आई, जैसे बरसात का मौसम आया, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सीजन आई, तो गवर्नमेंट प्राइस नक्की कर देगी किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। किसकी रिकमेंडेशन पे, किसकी सलाह सूचन पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्लियर? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या, हेतु क्या है? द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी इज 3 कंपोनेंट, MSP, बफर स्टॉक एंड इश्यू ऑफ फूड ग्रेन एट PDS। तीनों तीन चीज मैंने देखी, MSP, बफर स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द 3 इज वेरी क्लियर। अब देखो तीनों तीन में इंटरकनेक्टिविटी क्या बताया, MSP हेल्प टू प्रोकर एडिक्वेट फूड ग्रेन फ्रॉम थ्रू FCI, स्टेट एजेंसी एंड कोऑपरेटिव। क्लियर? तो MSP क्या करेगी कि समय पे फूड और फूड ग्रेन को परचेस करेगी थ्रू FCI या तो स्टेट एजेंसी या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से। द PDS नेटवर्क थ्रू द पॉलिसी ऑफ इश्यू प्राइस डिलीवर इट टू वीकर सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करेगी, कम कीमत में जो गरीब लोग होते हैं उनको प्राइस नक्की करके देगी। MSP इज द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन। MSP करने के पीछे मकसद और एकमात्र हेतु यही है
कि अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो प्रोडक्ट की कीमत घट जाती है, तो फार्मर को नुकसान ना हो, फार्मर कोर्ट में ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट पहले से कीमत नक्की कर देती है, ताकि फार्मरों को पता चले कि हम कितना भी बना हमको इतनी कीमत तो एटलीस्ट मिनिमम मिलने वाली है। क्लियर। दस मिनिमम सपोर्ट प्राइस M2SER रेम्यूनरेटिव एंड रिलेटिव स्टेबल प्राइस एनवायरमेंट फॉर द फार्मर बाय इंड्यूसिंग देम टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पीछे मकसद ये है कि फार्मरों को मोटिवेट किया जाए कि वो जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोडक्शन करे अपने पास फूड ग्रेन के जरिए। नंबर टू, इम्प्रूव इकोनॉमिक एसेस ऑफ फूड टू पीपल, लोगों को खाना टाइम पे, क्योंकि कॉमन खरीदेगी पहले से कीमत नक्की करेगी, वो लोग प्रोडक्शन अच्छा करेंगे लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। एंड इवॉल्व अ प्रोडक्शन पैटर्न विद इन अलाइन विद ओवरऑल, जैसी जरूरत है उसके मुताबिक काम होगा। हिस्ट्री, शुरुआत कब हुई थी, तो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वॉज डिक्लेयर फर्स्ट इन 1965 टूल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। 1965 में सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था, कौन से तौर पे, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के तौर पे। समझ में आया, टू मीट द फॉलोइंग, वो तो हमने पढ़ लिया। हु डिक्लेयर एंड हु प्रिपेयर, कौन MSP डिक्लेयर करता है और कौन प्रिपेयर करता है, तो ध्यान देना इसमें से MCQ 100% पूछने के चांसेस है। क्लियर। देखो क्या दिया है, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यानी CCEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ में आया, कौन नक्की करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटी, किसके रिकमेंडेशन पे, वो तो आप पढ़ चुके। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CAC। क्लियर। अब आता है लाओ छोटा सा टॉपिक है, 1 मार्क्स में पूछा हुआ है लास्ट ईयर, व्हाट इज ओपन एंडेड MSP। ओपन एंडेड क्या है, तो गवर्नमेंट कंसीडर दैट सम टाइप ऑफ क्रॉप आर इम्पोर्टेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, कितने क्रॉप बहुत महत्व है। टू एंश्योर एंड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सच क्रॉप द गवर्नमेंट फॉलो लिबरल पॉलिसी नोन एज ओपन एंडेड MSP। यानी ऑलरेडी हमको मालूम है कि जैसे गेहूं है, राइस है, ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट में आते, ग्राउंड नट आते हैं। क्लियर। तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, फार्मर ज्यादा करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने MSP को थोड़ा आसान कर दिया, जिसको बोला जाता है ओपन एंडेड MSP। इन दिस केस देर इज नो टारगेट, द गवर्नमेंट अलाउ द प्रोक्योरमेंट एजेंसी लाइक FCI टू बाय वॉट एवर इज ऑफर बाय फार्मर फॉर सेल एट FSP। यानी वॉट एवर इज ऑफर, फार्मर जो कीमत में ऑफर करे। द मेजर फूड आइटम आर राइस एंड वीट आर द टू प्रिंसिपल कमोडिटी वेर गवर्नमेंट रोल इज प्रोनाउंस, पहले ही मैंने बता दिया गेहूं और चाय। अब आता है MSP की कीमत कैसे नक्की होती है, द MSP इज कैलक्यूलेटेड एंड रिकमेंडेटेड बाय CACP, तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फॉर द कैलक्यूलेशन ऑफ MSP द CACP टेक इनटू अकाउंट अ व्यू ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटी, यानी पूरे के पूरे इकोनॉमी में कितना उत्पादक हुआ है, वो कमोडिटी का महत्व क्या है, जरूरत क्या है, वो सब देखेगी। अदर फैक्टर इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक करवानो खर्च, चेंज इन प्राइस, कीमत में क्या चेंज आया, आउटपुट प्राइस पेरिटी मार्केट में क्या चेंज आया, डिमांड क्या है उसका, सप्लाई पूर्ववतों कितनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसका असर कितना है, जनरल प्राइस पे क्या है, इंटरनेशनल में कीमत क्या चल रही है, फार्मर को क्या प्राइस मिलने वाली है, फार्मर कितनी कीमत पे देने दे रही है, तो ये सब चीजों को देखा जाता है पहले, उसके बाद तुम्हारी मिनिमम प्राइस नक्की की जाती है। कमीशन मेक यूज ऑफ बोथ माइक्रो लेवल डेटा एंड एग्रीगेट लेवल एट ऑल लेवल ऑफ डिस्क्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल। समझ में आया, कैसे कैसे नहीं डायरेक्टली डिसीजन ले लिया जाता, डिसीजन लेने के पहले ये सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। क्लियर। क्या बताया,
कमीशन मेक यूज ऑफ बोथ माइक्रो लेवल डेटा यानी छोटे से छोटा एंड एग्रीगेट यानी स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंटल हेल्प द कमीशन टू डिसाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर। अब आता है कौन सी आइटम एमएसपी में कवर्ड है, बस इतना सा टॉपिक है, टॉपिक कवर हो जाता है, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस एमएसपी फॉर 22, कितनी 22, हाउ मच 22 मैंडेटेड क्रॉप, कितने क्रॉप, कौन से क्रॉप, मैंडेटेड क्रॉप एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर सुगर केन। क्लियर। द मैंडेटेड क्रॉप आर 14 क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन, उसमें से 14 क्रॉप कौन से है, खरीफ सीजन के, 6 रवि क्रॉप कितने हैं, 6, और जो बचे कुछ है वो कौन से है, कॉमर्शियल। क्लियर। टोटल 22 है, टोटल 22 है, उसमें 14 खरीफ, 6 रवि, 2 कॉमर्शियल। इन एडिशन द एमएसपी ऑफ टोरिया एंड डी ड्राई कोकोनट आर फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी ऑफ रैप सीड मस्टर्ड कोपरा मिस्टर क्रॉप एस फॉलो। देखो सीरियल में कौन से सात, तो राइस वीट बाली जुआर बाजरा मेज एंड रागी, या पूछ सकते हैं एमएसपी में सात सीरियल कौन से, पल्स कौन से आएंगे, तो ग्रेम तुअर मूंग उड़द दाल लेंटिल दाल। ऑयल सीड के अंदर ग्राउंड नट रैप सीड टोरिया सोयाबीन सनफ्लावर सीड सीसम सेफ्लावर सीड नाइग्रे सीड। रो कॉटन रो ज्यूट कोपरा डी हस्क कोकोनट सुगर कन, इसका तो पूरा के पूरा फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस होगा, पूरा अलग होगा। एंड वर्जीनिया फ्लू कड टोबेको वीएफसी बोला जाता है। प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इज मेड बाय एफसीआई स्टेट एजेंसी एंड कोऑपरेटिव, तो हम ऊपर पढ़ चुके थे। क्लियर। अ काउंटर पार्ट ऑफ एमएसपी इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, पूछ सकते हैं कौन सी स्कीम है एमएसपी की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इन द विच स्टेट गवर्नमेंट प्रोकर पेरिसिबल कमोडिटी लाइक वेजिटेबल आइटम। ये तुमको 15-22 नाम याद रखने एमसीक्यू में आ सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंप्लीटली अवर होता है। क्लियर।